देश के कई राज्यों में बारिश और बाढ़ का कहर बरपा हुआ है। बाढ़ प्रभावित राज्यों में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, असम, उत्तराखंड और झारखंड शामिल हैं। यूपी में भारी बारिश और बाढ़ से 11 लोगों की मौत हो गई है। वहीं वाराणसी में हो रही बारिश से पानी घरों और दुकानों में पहुंच गया है। सड़कों पर सैलाब आया हुआ है। गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। 80 घाट समेत शहर के सभी 84 घाट पानी में डूब चुके हैं। हालात ये हैं कि अब नदी की बजाय सड़कों पर नावें चल रही हैं। वहीं मध्य प्रदेश के रीवा जिले में भी बाढ़ जैसे हालात हैं। निचली बस्तियों के साथ साथ मैदानी इलाकों में भी बाढ़ का पानी जमा हो गया है। बिहार के हालात भी कुछ ऐसे ही हैं। बिछिया नदी और निपनिया नदी का पुल डूब चुका है और बड़ी पुल डूबने वाला है। जिले के 2 दर्जन से ज्यादा मोहल्लों में पानी भर गया है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भी भारी बारिश के बाद लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। कई गांवों में बाढ़ का पानी भर गया है। रास्ता टूटने की वजह से कई गांवों का संपर्क टूट गया है। बिजली व्यवस्था ठप हो चुकी है। लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने के लिए सेना को भी लगाया गया है। बाढ़ से निपटने के लिए NDRF की एक अतिरिक्त टीम बुलाई गई है। आसमान से बरसती आफत ने जहां लोगों का जीना मुहाल कर रखा है, तो वहीं उफान मारती नदियां भी लोगों को डरा रही हैं। उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड, बिहार, मध्य प्रदेश समेत देश के कई राज्य पानी पानी है, जिससे लोगों का जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त है। देखते रहिए टीवी लाइव।